अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आज बात कर लेते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाली टेस्ट मैच की सीरीज़ की, जिसमें शाहीनों ने वाइट वॉश किया और दो मैचेस की सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान की अपनी सरजमीन पर 18 साल बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे कब पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को आखिरी बार 2003 में टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त दी थी। मोहम्मद रिजवान सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए गए, जबकि हसन अली को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान ने मौजूदा सीरीज़ जीतकर ICC रैंकिंग में 5वीं पोजीशन भी हासिल कर ली है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है अयाज खान साहब, चूंकि ये आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली क्रेडिट किसको देंगे आप? क्रेडिट ज़ाहिर ही किसी एक का नहीं है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस कौम ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उसके बाद पिछली पीसीबी को भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में पीसीबी था उनका भी क्रेडिट है, स्पेशली नजम सेठी साहब जिन्होंने PSL को एक ब्रांड बनाया। नो डाउट क्रेडिट तो ये सबका है और आज बहुत खुशी का दिन है कि इतनी बड़ी टीम आई पाकिस्तान में पहली बार इतने अरसे के बाद और हमने ये सीरीज़ भी जीत दी। कुछ क्रेडिट्स हम बड़े कंजूस वाक़ हुए हैं, क्रेडिट्स नहीं देते, तनकीद हम बहुत शिद्दत से करते हैं। जब न्यूज़ीलैंड में सीरीज़ हम हारे तो सबसे ज़्यादा निशाने पे उस वक्त थे, एक तो थे अपने मिसबाउल हक और दूसरे बकार यूनुस जी। और ये कहा जा रहा था कि जी इनको किस चीज़ के पैसे दिए जा रहे हैं, और आज मैं देख रहा हूँ कि आज मिसबाउल हक की तारीफ कोई नहीं कर रहा कि आज भी वो कोच मिसबाउल हक की था। आज वकार यूनुस की तारीफ कोई नहीं कर रहा कि आज वो नो बॉल्स नहीं हुई, बॉलर्स ने बड़ी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की, हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी रही दूसरी इनिंग्स में। बड़े अरसे बाद मैंने देखा कि स्लिप में कोई कैच गया और वो छूटा नहीं, मुश्किल से मुश्किल कैच भी पकड़ा। ओपनर भट्ट साहब ने तो कमाल किया, 4 कैच पकड़ लिए, अगरचे वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर सके। ओपनिंग हमारा मसला रहा दोनों टेस्ट में, स्पेशली जो लोअर ऑर्डर है और मिडल ऑर्डर, इसने परफॉर्म किया और हर प्लेयर ने बड़ा ज़बरदस्त। मैं आज देख रहा था एक इसी तरह के तजिया निगार का एक ट्वीट देख रहा था कि जी वो ना किसी हमारे स्पिनर ने 10 विकटें ली उसमें पूरे इस सीरीज़ में, ना कोई बैट्समैन 200 कर सका, तो इसका मतलब है हम जीते नहीं, साउथ अफ्रीका हमसे हार गया। ये बड़ी ज्यादती है कि इतना बाबर आजम को क्रेडिट आप ना दें, इतनी अच्छी कप्तानी की, कोई प्रेशर नज़र नहीं आ रहा था बाबर आजम पे, कमाल चेंजेस थी, बर वक्त चेंजेस करते रहे जिससे हम विकटें लेते रहे और मैच और टेस्ट क्रिकेट का ये बहुत बड़ी खूबसूरती, एक सेशन पूरे मैच को चेंज कर देता है और फिर कोई और अगला सेशन आता है और फिर लगता है कि नहीं ये तो टीम हम जीते जीते अब लगता है हार जाएंगे। तो वेस्ट इंडीज़ की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, कल जो उन्होंने बांग्लादेश में चिटागोंग में एक तारीख रकम की है, 395 का चेस कर गए वो, और इधर इंग्लैंड अभी श्रीलंका को हरा के आया बुरी तरह टेस्ट सीरीज़ में, और अब इंडिया को उन्होंने मुसीबत डाली हुई है, इंडिया को कल 384 रन चाहिए आखिरी दिन और एक खिलाड़ी अभी आउट भी हो चुका है। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हो रही है, तो मैं मुबारकबाद ही देना चाहूँगा कौम को कि इतने अरसे बाद हमें इतनी अच्छी खुशी नसीब हुई। जी आमिर साहब देखिए जी, जाहिर है कि जब टीम खेलती है और जीतती है तो आज हमारे रेलू कट्टुओं ने बिल्कुल परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी बात। मैंने जब ये सीरीज स्टार्ट हो रही थी तो मैंने कहा हम 11 साल यही रेलू कट्टे खिलाते रहे और अब हमारी टीम रेलू कट्टुओं में बदल गई और अल्लाह करे कि ये खेलें और खेल के हार जाएं तो कोई फ़र्क नहीं, अब वो खेले भी हैं जीत भी गए हैं माशाल्लाह, सारी कौम खुश है और ज़ाहिर है क्रिकेट में सारे लोग हमारे इन्वॉल्व होते हैं। अब PSL आ रही है, अयाज साहब ने मिसबाउल हक की भी तारीफ़ कर दी और सबकी तारीफ़ कर दी, नजम सेठी की भी कर दी, लिहाजा हाथी के पाँव में सबका पाँव, हम भी तारीफ़ कर रहे हैं कि जब जीतते हैं तो उस खुशी में सारे शरीक हैं। और सवाल आपका कि किसकी कामयाबी, तो वो भी यही है कि ये सबकी कामयाबी है, पिछला PCB भी ये भी, लेकिन जिस बुरी तरीके से ये हार के आए थे ये जीत गए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इस जीत का नशा ये उतारने में भी सानी नहीं रखते, इनकी खिंचाई पूरी होनी चाहिए, तारीफ पूरी होनी चाहिए कि ये आगे वनडे में भी परफॉर्म करें और एक तसलसल बनाएं। फिर बात वही है कि हारना और जीतना मानी नहीं रखता, खेलना मानी रखता है, क्योंकि जब ये न्यूजीलैंड में थे ऐसे था कि ना इनको
बैट पकड़ना आता है, ना इनको बॉलिंग आती है, ना इनको गेंद पकड़नी आती है। मतलब ये इस तरह का बिहेव कर रहे थे कि जैसे कोई बिल्कुल नाबालिगों की टीम है और ये क्रिकेट से नाबल्द हैं, बिल्कुल इनको समझ भी नहीं आ रही और ये बिल्कुल एक काया पलटी है। अच्छी बात है, हम सब इसकी तारीफ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का फ्रोक, कोई तो सेहतमंदाना बात हो ना। हमने आखिर में बात करनी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ हुआ, बतौर माशरा में इंतहाई पस्ती की तरफ जा रहे हैं, इंतशार का शिकार है मिनासुल कौम। हम कोई अच्छी खबर न कबूल करते हैं ना आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये इधर आई है। कहीं और बाकी मानों में भी जहां हम इक्तसादी तौर पर देखते हैं, जहां हम पीछे हैं, अल्लाह करे कि हमारी हुकूमती इक्तसादी टीम भी इस क्रिकेट टीम की तरह अपने आप काया पलटे और बेहतर कोई परफॉर्म कर दे। आमीन जी, यही कह सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें पाकिस्तान को, ज़ाहिर क्रिकेट को हमें बहुत मुबारक देनी चाहिए, बहुत खुशी का दिन है और पाकिस्तान का आईसीसी में बहुत नाम रोशन हुआ और फिर हमने आईसीसी रेटिंग में हमारी बेहतर हो गई है और एज अ टीम आई कुड सी के दे आर फाइटिंग एज अ टीम और बड़ा अच्छी कोऑपरेशन रही है, अंडरस्टैंडिंग रही है, कोई ऐसे कुछ अच्छी बुरी बातें सुनने को भी नहीं मिली हैं और जिस तरीके से आज पूरा टीम एफर्ट थी ये भी बहुत अच्छी बात थी। लेकिन एक हमें ज़रूर देखना है कि हमारी क्या गलतियां थी, क्या कमजोरियां थी, क्योंकि हमारा देखें बैट जो ओपनिंग बैट्समैन हैं 3-4 विकेट हमारी इमिजिएटली जल्दी गिरती रही हैं और फिर मिडल ऑर्डर ने आके हमें सस्टेन किया, कोशिश की। तो इसको आई एम श्योर कि हमारे जो कोचिज हैं इसको ज़रूर देखेंगे, इसको ज़रूर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बिकॉज अगले जो टेस्ट आती हैं इंशाल्लाह हम देखेंगे अब बाहर की इंटरनेशनल टीम आनी शुरू हो जाएंगी और स्टार्ट PSL से हुआ है। PSL क्या एक स्टेपिंग स्टोन था जहां फॉरेन प्लेयर्स आए, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने, आवाम ने ताउन किया, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से इनकरेजमेंट जो रास्ता था टीम ने आना शुरू कर दिया और आज ही हम देख रहे हैं इंशाल्लाह अब हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये टीमें भी पाकिस्तान आएंगी ताकि फिर एक फुल क्रिकेट जो एक हमारा स्पेक्ट पहले होता वो हो जाए और हमारी जो एक लॉ इन्फोर्सिंग जस्टिंग का क्रेडिट है वो भी हमें देना चाहिए। आज भी आपने देखा कि उन्होंने बहुत बड़ा एक नेटवर्क ब्रेक किया है, तो हमें खुशी है, बहुत खुश हैं, इसको हमें आगे लेके चलना है, इम्प्रूवमेंट करनी है। लेकिन जहाँ हमने गलतियाँ की हैं, जिस डिपार्टमेंट में गलती की है उसको ज़रूर इम्प्रूव करें ताकि आइंदा के लिए हम ऐसी गलतियाँ ना कर सकें। जी जी, फैसल हुसैन साहब, देखिए ये तो बहरहाल एक खुशी की खबर है, अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में जो है क्रिकेट के हवाले से जो है वो अच्छी खबरें आना शुरू हो रही हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, उसकी कारकर्दगी का आप तजिया करेंगे तो वो दो मैचों की बुनियाद पर तजिया नहीं कर सकते। आप अगर आप एक साल और 6 महीने की बुनियाद पर तजिया करें तो उसमें सिर्फ यही दो मैच ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान जो जीता, जो पहले वाले मैचेस थे उसमें उनकी जो है कारकर्दगी जो है वो बहुत ख़राब रही। आज के इन दो मैचों का सबसे ज़्यादा कोई बेनिफिशरी हुआ है तो वकार यूनुस और मिसबाहुल हक हुए, उनको जो है लाइफ लाइन मिल गई, उन पर जो तनकीद हो रही थी वो तनकीद जो है वो कुछ अरसे के लिए जो है रुक जाएगी और हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला जो कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ है आगे भी चलता रहे। लेकिन हमें इसमें जिन दो मैचों में भी जो है अपनी कमजोरियों पर, कोताहियों पर जो है नज़र रखनी चाहिए। आपकी जितनी जो है ऊपर की बैटिंग लाइन थी दोनों टेस्ट में जो है वो फ्लॉप हुई, आपके ओपनर जो है वो फ्लॉप हुए, 5 साल में आपने ओपनर्स की जो है वो 14 जोड़ियाँ बनाई लेकिन 14 की 14 जो है वो नतीजा खेज जो है वो नहीं हो सकी। पूरी टीम में जो है हमें एक मुस्तकिल मिजाजी की जो है वो कमी नज़र आती है। आपके बॉलर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी रही, खासतौर पे आपके फास्ट बॉलर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस का जो है मुजाहरा किया ये और हमारी बॉलिंग लाइन जो है काफ़ी जो है वो बेहतर हो रही है लेकिन आपकी बैटिंग जो है वो तो फ्लॉप हो रही है। तो जो इस हवाले से भी हमें देखना होगा, सिर्फ दो मैच की बुनियाद पर खाली हम शादियाने बजाना शुरू कर दें तो ये ऐसा लगेगा हम किसी खुशफहमी का शिकार होगा, तो हमें किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। जी शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, बड़ा अच्छा कमबैक किया है पाकिस्तानी टीम ने और पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जो है वो जीत ली है पाकिस्तानी टीम ने। तो ये तजर्बा भी बहुत अच्छा रहा है कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को लाया गया और कोचिंग और चीफ सेलेक्टर को, कोच और चीफ सेलेक्टर को अलहदा किया PCB ने, तो उसके अच्छे नतायज आना शुरू हो गए हैं और ख़ास तौर पर यासिर अली ने कमबैक किया है, इसी तरह नोमान अली ने कमबैक किया है, उन्होंने 9वें नंबर पर जाके 45 रन स्कोर किए। यासिर अली ने 10 विकेटें ली, पहले इनिंग्स में 5 विकेटें ली, दूसरे इनिंग्स में 5 विकेटें ली, लेकिन इस सारे मैच का जो सिर है
हसन अली ने 10 विकेटें ली और मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की और उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 2016 में किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें खिलाया गया लेकिन वो पहली बॉल पर आउट हो गए। उसके बाद जो है उन्हें 3 साल तक आप देखें मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर रखा गया और किसी सिलेक्टर की जो नज़र है वो मोहम्मद रिजवान पर नहीं पड़ी। तो अगर टीम को सही तरीके से मेरिट पर सिलेक्ट किया जाए और खिलाड़ियों को मौका दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम में टैलेंट मौजूद है और जिसका उन्होंने सबूत भी दिया कि उन्होंने टेस्ट सीरीज़ जो है वो 2-0 से जीत ली, वरना ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर टेस्ट मैचेस जो होते हैं वो ड्रॉ की तरफ ही जाते हैं लेकिन पाकिस्तानी टीम ने दोनों मैचों में फैसला कुन कामयाबी हासिल की। तो इस जो कामयाबी का तसलसल है आप इसको पाकिस्तानी टीम को बरकरार रखना चाहिए और ख़ास तौर पर जो ये 2 मैचेस थे उसमें जो एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर हमें देखने को मिली है और जो बड़ी खुश आइंद भी है पाकिस्तानी टीम के लिए कि टीम में एक तो फाइटिंग स्पिरिट आई, उसकी फील्डिंग बहुत अच्छी कम बैक किया। उसके अलावा जो टेल एंडर का मसला था जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता था बैटिंग का तो फिर मिडल ऑर्डर भी और टेल एंडर जो है वो सारे के सारे फ्लॉप हो जाते थे लेकिन आप ये देखें कि दोनों मैचों में जो टेल एंडर हैं उन्होंने ज़्यादा स्कोर किया और उस स्कोर की वजह से जो है पाकिस्तानी टीम की जीत की बुनियाद बनी और पाकिस्तानी टीम ने कामयाबी हासिल की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये कामयाबियों का तसलसल जारी रहेगा और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जी इलियास साहब जी बड़ा अच्छा था, आज पूरी कौम बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ एक अपनी सीरीज़ जीती और सीरीज़ नहीं अभी इनिंग जीती तो ये बड़ी एक कामयाबी है हमारी। जो लास्ट टाइम न्यूजीलैंड में जो इन्होंने परफॉर्म किया था उस पर क्रिटिसाइज़ किया उन गलतियों से सीखा इन्होंने और गलतियों से सीखा देखें इस वक्त बैटिंग बॉलिंग और जो फील्डिंग थी वो हमारी कदर बहुत बेहतर थी और हमने बेहतर परफॉर्म किया और अपना एक टफ टारगेट दिया और उनके खिलाड़ियों को जल्दी आउट कर दिया, विकेट पर खड़े नहीं हो सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको परफॉर्म करना चाहिए, पूरी टीम में कॉन्फिडेंस देखा जा सके। टीम में पूरी एक बड़ी स्पिरिट थी कि उनको जीतना था, दिखाना था कि जी अगरचे होम ग्राउंड थी और बेहतर अंदाज में वो खेलते रहे। तमाम जो खिलाड़ी थे उनके लिए नया तजर्बा था और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसका आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में, मुस्तकबिल में भी होगा और इसमें पूरी यानी कि ये जो है कि कौम की बड़ी यानी कि बड़ी ये है कि इन्होंने कुर्बानियाँ दी क्रिकेट को बहाल करने के लिए, ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए पाकिस्तान के लिए। तो आज ये साउथ अफ्रीका की टीम खेली, कल दूसरी टीमें भी आएंगी और देखें ये इंटरनेशनली जब खेलेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। काफ़ी अरसे से जो क्रिकेट बंद थी कि कितने सालों से, लेकिन ये अब ये है कि हमारे जो तमाम खिलाड़ी खासतौर बाबर आजम ने एक बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी उन्होंने अच्छे कप्तान होने के नाते बेहतर अंदाज से खेले, हक अदा कर दिया, हक अदा किया बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग के लिए जो उन्होंने जिस तरह अंदाज से किया, बल्कि जो हमारे कोच थे उनके लिए ये बड़ी एक अच्छी है कि बात है कि जो हमने सीखा गलतियों से। अब मुस्तकबिल पे भी हमें चाहिए कि मजीद मेहनत करें ताकि मजीद जो है कि अच्छे मैच देख लोगों को देखने के मिले क्योंकि पूरी पाकिस्तान में खास क्रिकेट को बहुत अहमियत दी जाती है और लोगों की बड़ी होती है कि देखिए न्यूजीलैंड के हवाले से हम शायद ये समझते हैं कि बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी, ऐसी बात नहीं थी। हम ओडे 2-1 से आ रहे थे, रेगुलर कप्तान आपका जख्मी हो गया, पहला टेस्ट ऑलमोस्ट ड्रॉ कर गए हुए थे हम, दूसरे टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। तो मैं नहीं समझता कि ओवरऑल न्यूजीलैंड हम कहें कि बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दें पाकिस्तान टीम को, फाइटिंग स्पिरिट वहां भी थी लेकिन जब स्टैंड इन कैप्टन होगा तो फर्क तो पड़ता है उन कंडीशंस। बिल्कुल आपकी बात सही है, वैसे भी गेम अप डाउन फाइटिंग स्पिरिट तो नहीं जी, अच्छा कमबैक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हम उम्मीद करते हैं, जीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा है, ऑपोजिशन जमातें इदारों को मुतनाज़े बनाकर क्या मकासद हासिल करना चाहती हैं, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन पीडीएम जमातें जो 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने जा रही हैं, ऑपोजिशन जमातों की तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि रियासती इदारे उनके साथ मिलकर हुकूमत को घर भेजेंगे, जिस पर आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने पीडीएम के इल्जाम की सख्ती से तरदीद की और कहा कि सियासत के साथ पाक फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं, फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए और किसी से कोई बैकडोर रबते नहीं किए जा रहे।
बगैर तहकीक के इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं, इस किस्म की कयास सरायों को बंद होना चाहिए। जो ऐसे बयान दे रहे हैं सबूत हैं तो वो सामने लाए, बगैर किसी तहकीक के बात नहीं करनी चाहिए। इस पर वफाकी वज़रा ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि अपोजिशन जो लहजा इस्तेमाल कर रही है उससे उनका अपना नुकसान होगा। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए ये दूसरा बड़ा सवाल है। आमिर इलियासाना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, अपोजिशन जमातें इदारों को मुतनाज़े बनाकर क्या मकासद हासिल करना चाहती हैं? दुआ देखें, आप अभी मैं जो समझाऊँ, आपने कहा कि हिजब इख्तलाफ के लोग ये तासुर दे रहे हैं कि वो रियासती इदारों के ज़रिए मिल के हुकूमत से हुकूमत को घर भिजवाएंगे। ऐसा कोई तासुर हिजब इख्तलाफ की किसी जमात ने नहीं दिया, बल्कि बिल्कुल इसके वाइस वर्सा है। और वो कह रहे हैं कि हिजब इख्तलाफ का मुतालबा ये है कि फ़ौज और हुकूमत एक है, और हमें हुकूमत के साथ मुश्किल में तब आ रहे हैं कि इदारे उधर खड़े हैं। DGISPR ने बेसिकली, मरियम नवाज़ ने जो उस दिन जलसे में बात कही ना, कि हमें इनके बड़े मैसेजेस कर रहे हैं कि आईनी तरमीम में सपोर्ट करें जी। तो ये एक तो वो है, और एक पिछली मुसलसल जो तकारीर आईं वो सारी की सारी एट्रीब्यूट हो रही थी पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ, इदारों की तरफ। और काफ़ी दिनों से खामोशी थी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का जो DGISPR ने कहा था ना कि ये आए थे और हमने इन्हें कहा कि आप लीगल बैटल अपनी अदालतों में लड़ें और पार्लियामेंट में जाके अपने केसेस पे करें, आप हमसे बात ना करें, उसके बाद अब वो बोले हैं बात की है, क्योंकि एक मुसलसल आ रहा था। और मैं बताऊं कि इसको सिर्फ मरियम नवाज़ ही नहीं, बहुत सारे कालम नगारों ने और बहुत सारे तजिया नगार, ये मैं बात कर रहा हूँ नेशनल हुकअप की, कि अखबारात और टेलीविज़न सोशल मीडिया पर तो अल्लाह जाने क्या क्या चल रहा है। उसमें यह था कि जी शायद फ़ौज से हुकूमत ने रिक्वेस्ट की कि सेनेट में हमें आइनी तरमीम थ्रू कराएँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक ये बनना शुरू हो गया नैरेटिव। असल में कहानी यह है, जैसे आज DGISPR ने बयान दिया और पूरे वज़रा की फ़ौज ज़फ़रे मौज एकदम बयानात पे आ गई, यही असल इशू है। होना ये चाहिए कि जब फ़ौज कह रही है तो फ़ौज को बतौर इदारा बेल आउट करे हिजब इख्तलाफ भी और हुकूमत भी, के ठीक है। हिजब इख्तलाफ को देखना चाहिए कि वो बार बार कह रहे हैं, और उन्होंने आज कहा ना कि आप टेलीफोन बता दें, कोई रबता बता दें, कोई क्लियर कर दें कि किस से रबता हुआ और कैसे बैकडोर रबता हुआ। हुकूमत के साथ तो देखें ना, DGISI और आर्मी चीफ बराह रास्त वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं, उसकी प्रेस लीज जारी होती है। लिहाजा बिहाइंड दी सीन अगर कुछ है तो वो हिजब इख्तलाफ के बारे में है। वो एक तासुर ख़त्म हो गया। होना ये चाहिए कि जब फ़ौज अपने आप को पीछे कह रही है कि हम नहीं आ रहे, हमें ना घसीटें इन मामलों में, तो हुकूमत को हिजब इख्तलाफ को अंगेज करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि जो मसाइल बन रहे हैं, हिजब इख्तलाफ इल्ज़ाम लगाती है, तो अपने इदारों को बेल आउट इस तरीके से किया जाता है कि उनको कंट्रोवर्सी का मजीद हिस्सा ना बनाया जाए। यानी DGISPR बयान दे के फारिग हुआ है तो वजीरों की दुकान खुल गई, सारे अपने अपने ट्विटर अकाउंट खोल के आ गए, कोई बीपर पर आ गया। होना ये चाहिए कि हिजब इख्तलाफ से राबता बनाएं। खुर्शीद शाह हैं, शहबाज शरीफ हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, अगर ये असम्बली में आ जाएंगे तो कौन सा तीर पहले मार लिया जो अब मार लेंगे। लेकिन एक नॉर्मल काम होना चाहिए पार्लियामेंट को, उसका किरदार अदा करना चाहिए कि जो कुछ भी है वहाँ वज़ीर आज़म को चाहिए स्पीकर को भी इख्तियार दें कि वो इस तरह सख्ती से उनको ना रोकें, कि जो नॉर्मल बिजनेस है पार्लियामेंट का, बातचीत के बगैर कोई मसला हल नहीं होता। देखें इमरान खान साहब जब 2014 में आए थे तो क्या तासुर था कि जी एस्टेब्लिशमेंट है, फलां है, मुशाहिदुल्ला ने बयान दिया, तो क्या हुकूमत नवाज शरीफ की उस वक्त चली गई थी? और आज जब ये तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है और ये आएंगे 26 मार्च को, तो क्या हुकूमत ले जाएंगे? उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत होगा। सही होना यह चाहिए कि हिजब इख्तलाफ को हुकूमत अंगेज करे, इदारों को उनके तनकीद के निशाने से बचाने के लिए हुकूमत को आगे आना पड़ेगा। आज नहीं आएगी, 2 महीने बाद आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। बेहतर है अपने इदारों को बिल्कुल जिस तरह DGISPR कह रहे हैं, जैसे आज पाक फौज की तरफ से देखे ना, एक जहाज आया था, 5 लाख वैक्सीन आई और वो सिविलियन इदारों में सीधी सीधी 5 लाख वो दे दी गई कि जी ये फ्रंट लाइन पे जो हमारे मेडिकल कोर है उनको दिया जाए। ठीक है जी, उसी तरह का एक जहाज आज दिखाया गया, यानी तकरीबन उतनी ही आई है, वो भी पाक फौज ने। मेरी ये जाती राय है कि जो लोग हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो फ्रंट पे हैं, जो सीनियर्स हैं, इन सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने वो किसको दे दी? वही मेडिकल कोर को दे दी कि जी आप हमारे फ्रंट लाइन हैं, लड़ते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, उनका इलाज करते हैं, लिहाजा हम आपको हमारी जो आई है हमारे लिए चीन की फौज ने दिया है, हम आपके हवाले कर रहे हैं। तो इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए कि सिचुएशन से हुकूमत ने निकालना इस सारे को, ऐसे नहीं होता जी। आया साहब, बेसिकली जब मरियम ये कहती है ना, इमरान खान साहब के बड़ों के फोन आ रहे हैं, कुछ और ओपोजिशन के लीडर ये कह रहे होते हैं कि अब वो एक पेज वाली कहानी नहीं रही, तो ये तासुर ही बनाने की कोशिश की जा रही होती, जो मैं समझ पाता हूँ इस हवाले से, कि शायद फौज अब उधर से
इधर बेसिक मकसद क्या है इस सारी तहरीक का, ये सारी तकरीरों का, ये मुतनाज़ा बातें करने का? यही है ना कि अगर गवर्नमेंट के साथ खड़ी है फौज तो हमारे साथ आके खड़ी हो जाए, तो वो हमारे साथ खड़ी हो जाएगी तो जाहिर है हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, गवर्नमेंट घर चली जाएगी। मकसद तो और कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बातें शुरू में वो की जा रही थी वो तो बिल्कुल डिफरेंट था। आज खैर बिलावल ने बड़ा अच्छा बेल आउट किया है मौलाना फजल रहमान को, जब उनसे सवाल पूछा गया कि पिंडी, उन्होंने कहा नहीं वो बातें तो थी, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि पिंडी जाना चाहिए, इस्लामाबाद बहरहाल फाइनल फैसला हो चुका है। तो ये सारा चीज़ें इसीलिए की जाती हैं कि उसका अपना मकसद तो वाहिद ये है ना कि आपकी अगर कोई खामी है, कहीं नाकामी हो जाती है, कहीं कमज़ोरी का मुजाहरा आप कर देते हैं तो आप किसी पर डाल दें और अपनी जान छुड़ा लें, क्योंकि आपने बहुत से ऐलानात पहले दिन से जो कर रहे थे वो आपने यहाँ तक कह दिया था कि बस एक जलसे की मार है ये हुकूमत, हम निकलेंगे और ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह तो नहीं होता। फिर बहुत सी बातें जो नहीं पूरी हुई, जब एक दिन कायरा साहब के बड़ा एहतराम करता हूँ, उनसे पूछा गया एक टीवी शो में कि जी ये फलां फलां बात की थी उससे तो पीछे हट गई पीडीएम, तो उन्होंने कहा यार वो जलसों में जो तकरीरें होती हैं या जो टीवी पे बैठ के बात होती है उसको छोड़ें, वो इसी तरह होता है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने जो जलसों में बातें की थी या टीवी पे बैठ के बात की थी फिर उसको भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, बहुत सी बातें वो कह गए उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो मकसद तो सिर्फ यही है कि जब गवर्नमेंट के लोग जैसे राणा साहब कह रहे हैं कि वज़रा आ गए, वो भी अपने मकासद हासिल करना चाह रहे होते हैं ना उसमें कि जी हम ये तासुर देने में कामयाब हो जाएं कि नहीं हम एक पेज पे ही हैं, फौज हमारे साथ खड़ी है, ये गलत तासुर बना रहे हैं कि जी नहीं फौज उधर चली गई है इसलिए हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वैसे तो ये रिवाज ही गलत है, आप पार्लियामेंट में जाके बिल्कुल एहतजाज करें। और बिलावल ने आज फिर कहा कि हम तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए, तो मेरा ख्याल है इसको सीरियस ले लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, और अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठने के लिए तैयार है इलेक्टोरल रिफॉर्म समेत जो जो वो चाहते हैं बैठ के कर लें, ये इलेक्शन तो गुजर जाएगा सेनेट का लेकिन पार्लियामेंट तो मौजूद है, तो बेहतर है कि कहीं से नुक्ता आगाज कहीं से पकड़ के उसको आगाज करके और बेहतरी की तरफ चला जाया जाए। जी इलियास साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज जैसे ISPR की जानिब से जो सख्ती से कहा गया कि जी इस तरह ना बिल्कुल लाया जाए उनका नाम, तो ये बिल्कुल गलत है। आप देखें हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी है अपोजिशन की जानिब PDM के इजलास में इस तरह की जो बात की जाती है उसे लोग भी नहीं अच्छा समझते, आवाम भी उस बात को अच्छा नहीं समझती कि जी बिल्कुल बाद में लेकर लाया जाता है जी कि जी फौज इनके एस्टेब्लिशमेंट ये करी है वो करी, तो ये जो सूरत हाल है इससे एहतियात करनी चाहिए अपोजिशन को, नहीं चाहिए कि इस तरह के अदारों को करना चाहिए। बाज़ दफ़ा दूसरे अदारों इलेक्शन कमीशन को दूसरों को अदारों को लेके आते हैं तो ये इससे उनके मकासद हासिल नहीं होते, बल्कि ये एक है कि प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, ये एक हथकंडा होता है इसको वो इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह करने से एक अजीब सी सूरत हाल है मुल्क में अंदर, इस तरह नहीं होना चाहिए। जो भी अदारे हैं जो मुकद्दस अदारे जो भी उनको साइड पर उनको बीच में लाना ही नहीं चाहिए, जो भी आप करें एहतजाज करें पार्लियामेंट के अंदर करें रैली निकालें जो भी करना है करें, बिल्कुल आपका हक है आईनी हक है कि आप जिस तरह के करें, तो आपका बिल्कुल इख्तलाफात लाने से बेहतर है कि अदारों पर बजाय कि उन पर उनको लेके आया जाए कि जी ये अदारे इस तरह करें, तो ऐसी सूरत हाल नहीं है जो करने से मज़ीद बदमजगी होगी हालात ख़राब होंगे। तो यही है कि पार्लियामेंट में जाएं और जो PDM जो भी अपना प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है उसमें ये है कि उनको जो बयानात देते वक्त मुहतात रहना चाहिए, इस तरह ये हमेशा यही किया जाता है कि अब कुछ ना कुछ बीच में ऐसी बात कर दी जाती है जो कि बल्कि उनके अपने लिए ख़राब होता है क्योंकि आवाम इस बात को ज़्यादा नहीं उनको कर रही। जी बगैर साहब देखें ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थी जो आज DGISPR ने दी है, क्योंकि आपने देखा कि पहले किस तरीके से ऑपोजिशन ने ये बैशिंग की नाम लेके, और उसके बाद अब ये ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि कहीं फौज अब उनको अप्रोच कर रही है, जिसका मतलब है कि हुकूमत और फौज में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाए। ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा था इस चीज़, क्योंकि देखें फौज इस ऑपरेशनल ड्यूटीज में है, फौज आपके सामने ट्रेनिंग कर रही है, आपके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन क्या है, अफगानिस्तान तरफ की तरफ क्या है, बलूचिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान तरफ से रॉक ने कैसे एक नया ग्रुप बनाया है बलूचिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन के लिए और TCPAC को नाकाम करने के लिए। इन हालात में ये बहुत अच्छा स्टेप था, क्लेरिफाई कर दिया है कि फौज नहीं इन्वॉल्व है, फौज आइन और कानून के मुताबिक जो है वो हुकूमत के साथ है और वो हर हुकूमत के साथ रही है। ये एक तो ये बात थी।
सेकंड उसके बाद मेरे ख्याल में इस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे लावल भुट्टो साहब ने बात की है कि इमीडिएटली आई वुड से कि इवन टुनाइट और टुमारो गवर्नमेंट को एक नेगोशिएटिंग टीम अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाली बना के वो नॉमिनेट करें और उनको ऑफर करें और पीडीएम को जी कि आए डायलॉग करें, रिफॉर्म्स के ऊपर करें, सेनेट के इलेक्शन के ऊपर करें, उसके बाद जो आपने इलेक्ट्रल रिफॉर्म की क्या क्या प्रॉब्लम है उनको डिस्कस किया जाए, कानून साजी की जाए। आपके सामने आपने देखा गया एक सेशन हुआ है किस तरीके से मछली मार्केट बनाई गई और कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए गए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी की है पाकिस्तानी, मैं देख रहा हूँ एज ए सिटीजन कि क्या ये अवाम के नुमाइंदे हमने चुने हैं जो जाके हमारे लिए कानून साजी करें और अवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। तो इसलिए इस वक्त बिल्कुल फौज को अलहदा रखें, एनिमी के नैरेटिव को मत फॉलो करें, ये बड़ा खतरनाक खेल है क्योंकि वो चाहते ही यही हैं कि अवाम में और फौज में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, फौज कमज़ोर हो और खुदा ना खुदा फेडरेशन कमज़ोर हो जाए। तो इन चीज़ों को हमें देख के ख्याल करते हुए इसको आइंदा के लिए इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। बिल्कुल राइट जी, फैसल हुसैन साहब। देखिए ये पीडीएम ने जो अपनी तहरीक का जो आगाज़ किया और वाजह तौर पे इन जुमलों के साथ आगाज़ किया कि हमारी जो लड़ाई है वो हुकूमत के साथ नहीं है बल्कि सिलेक्टर के साथ है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। नवाज शरीफ साहब ने तो वाजह तौर पे जो है इदारों के सरबराहान के नाम भी लिए, बोला इन लोगों से हमारी लड़ाई है, ये लोग जो है वो फरीक बने हुए हैं, हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और अपोजिशन के खिलाफ जो है इनके कहने पे जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो पीडीएम की जो पूरी तहरीक थी उसने ऐसा लगता था, वो लगता क्या था, वो ऐलान ही कर रहे थे कि हम जो है हम तो हुकूमत के खिलाफ नहीं, हम इदारों के खिलाफ है। जो ये तासुर तकबीयत पा रहा था कि अपोजिशन में और फौज में जो है वो तसादुम होता जा रहा है, तनाव होता जा रहा है, इसको पीडीएम खासतौर पर उसमें मुस्लिम लीग नून वो मुस्तकिल जो है उसमें जो है इस चिंगारी को जो है वो हवा दे चले जा रहा था। एक भाई जो है पीछे बैठ के एस्टेब्लिशमेंट से मुजाकरात कर रहा था, दूसरा भाई जो है इस तरह की तकरीरें कर रहा था, फिर पीपल्स पार्टी का इसमें अपना रोल रहा, फिर मौलाना फजल रहमान का रोल रहा, फिर अचानक इन लोगों ने जो है ना पलटा खाया। और कुछ दिनों पहले मौलाना साहब का जो बयान आया कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से जो है मुजाकरात के लिए जो है वो तैयार है। बेसिकली इनकी जो तहरीक थी, हम रोजे अब्बल से ये बात कर रहे हैं, इनकी जो जंग जो थी बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की थी कि आप हमारे साथ मुजाकरात करें, हमारे सर पे हाथ रखें, हम ज्यादा बेहतर फरमा बरदार बच्चा आपके बन सकते हैं। इनकी लड़ाई वाकई सही कह रहे थे कि हुकूमत के खिलाफ जो नहीं थी। अच्छा यही काम जो है वो हुकूमत भी कर रही है। इमरान खान से जब भी आप इनकी कारकर्दगी के बारे में सवाल करें वो जवाब देते हैं कि फौज के खिलाफ साजिश हो रही है, मैं फौज के खिलाफ साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। वो हमेशा जो है इदारों के पीछे और फौज के पीछे जो है छुप कर जो है अपनी नाहली पर जो है पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से हुकूमत का सिर्फ अपोजिशन का रोल जो है नेगेटिव नहीं रहा बल्कि हुकूमत का भी जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो नेगेटिव रहा। तो आज इस सूरतहाल के बाद जो है आईएसपीआर को वाजे तौर पे कहना पड़ा कि हमें सियासत में ना धकेला जाए। तो आईएसपीआर ने सिर्फ अपोजिशन से नहीं कहा है, ये हुकूमत से कहा है क्योंकि काम जितना ही काम अपोजिशन कर रही है कमोबेश इतना ही काम जो हुकूमत भी कर रही है। तो दोनों को जो है फौज ने पैगाम दिया कि हमें आप जो है इसमें इन्वॉल्व ना करें। जी शकील अंजुम साहब। तो देखिए फौज हमारा एक कौमी इदारा है और कौमी इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, वो पीडीएम हो या हुकूमत हो, दोनों तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं जाती। दोनों जो है हुकूमत ये समझती है कि अगर वो फौज के हवाले से बात नहीं करेगी, वज़ीर आज़म साहब ये नहीं कहते कि हम एक पेज पर हैं और फौज मेरे साथ है, एजेंसियाँ मेरे फ़ोन सुनती हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो ये समझते हैं कि वो सारे जो चीज़ें हैं उनसे बेल आउट हो गए हैं, ना मुल्क में महंगाई है, ना करप्शन है, ना बेरोज़गारी है, सब अच्छा है, और वो ये बयान दे के वो समझते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई है। दूसरी जानब अगर पीडीएम को देखें तो पीडीएम भी फ़ौज के ऊपर जो है वो तनकीद करती है और वो कहती है कि अगर फ़ौज जो है एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे ना हो तो हम इसको दो दिन में चलता कर देंगे। लेकिन जो असल मसाइल हैं, असल इशू हैं, उस तरफ कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है, ना तो पीडीएम और ना ही हुकूमत। आप ये देखें कि हुकूमत लगता है कि जो आज डीजीआईएसपीआर के मुसलसल दो मरतबा उन्होंने बयान दिया है और बड़े थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दिया कि उनका इस सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हर कोई अपनी अपनी खुद नबेड़े, और उसके बाद जो हालात नज़र आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत के जो दिखाई दे रहा है कि वज़ीर आज़म साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास चले भी जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें सेनेट की एक नशिस्त भी दे आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन आपने लड़ना है, और उसके बाद अगर देखें कि जो वो तरमीम करने जा रही है गवर्नमेंट और उस पर वो किस कदर खौफजदा है कि सीक्रेट बैलेट के तहत सेनेट इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो
तो वो ये समझती है कि शायद जिस तरीके से वज़ीर आज़म या वज़रा क्लेम करते थे कि उनकी अब वो एक पेज वाली कहानी नहीं रही है, यही वजह है कि वो खौफज़दा हैं और वो चाहते हैं किसी तरीके से सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड के ज़रिए हो और उन्हें पता हो कि उनकी पार्टी के किस रुकन ने किसको वोट दिया है। तो इसलिए लगता है कि जो हुकूमत है वो दबाव का भी शिकार है और जो उन्हें बार बार उनके बयानात जो आते थे कि एक पेज वाली कहानी है वो कहीं डगमगा रही है और लगता है कि जो जो अंदेशे उन्हें लग रहे हैं उससे ये भी लगता है कि शायद उन्हें ये अंदाज़ा है कि जो उनके अराकीन सूबाई और कौमी असम्बली हैं वो सेनेट इलेक्शन में उनके साथ नहीं होंगे। और काफ़ी दिनों से ये बात चल भी रही है और ख़बरें भी आ रही हैं कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ये कहा है कि ये सेनेट का इलेक्शन उन्हें मैनेज करके दिया जाए, लेकिन उस पे जो है वो माजरत की गई है जिसके बाद आप देखें कि हुकूमत किस कदर बुखलाहट का शिकार है कि पहले उन्होंने जो है एक रेफरेंस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद सदारती पार्लियामेंट में जो है वो बिल ले आए, फिर किसी चीज़ के नतीजे का इंतज़ार किए बगैर उन्होंने फिर सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और ये भी कहा कि जो अराकीन असम्बली किसको वोट देना चाहते हैं वो भी पार्टी सरबरा देख सकेगा, अगर वो नहीं देख सकेगा तो उसका नुमाइंदा देख सकेगा। ठीक है, इससे ये लगता है जबकि अपोजिशन जो है वो इसकी शदीद मुखालफत कर रही है और वो सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है, इससे लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं जो है वो अनजाने खौफ में मुबतला है और वो ये सोच रही है कि अगर सेनेट इलेक्शन शो सीक्रेट बैलेट के तहत हो गया तो फिर शायद उन्हें वो नतज ना मिल सकें जो वो सोच रही है। ठीक, बिल्कुल जी, ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की भी और अपोजिशन की भी कि अपनी सियासी लड़ाई को अपने अपने अंदाज में लड़ने की कोशिश जिस तरह से वो कर रहे हैं करें, लेकिन इदारों को मुतनाज़े ना बनाया जाए, पाक फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, इससे रियासतें कमज़ोर होती हैं। एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। आज हमारा तीसरा बड़ा सवाल है वुकला गर्दी के हवाले से, हम सवाल रखेंगे और एक्सपर्ट से ये पूछेंगे कि वुकला गर्दी का सद्देबाब क्या है, जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अभी कुछ बात करते हैं सीडीओ और ज़िले इंतजामी के इतवार को किए गए इस्लामाबाद के F8 कचहरी ऑपरेशन की, जिसमें वुकला के 150 से ज़ायद गैर कानूनी चैम्बर्स गिरा दिए गए थे। सीडीओ और ज़िले इंतजामी के इस इकदाम पर आज वुकला मुश्तिल हो गए, शदीद मुज़ाहमत और तोड़फोड़ की और ज़िला कचहरी की तमाम अदालतें उन्होंने बंद करा दी। वुकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ब्लॉक की खिड़कियाँ और शीशे भी तोड़ दिए, जिसके बायस चीफ जस्टिस अतर मनल्ला समेत तमाम जजेस अपने चैम्बर्स में महसूर होकर रह गए और अदालती कार्रवाई को रोकना पड़ा। वुकला के धावे के बाद पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया और चीफ जस्टिस ने एहतजाजी वुकला से खिताब करते हुए कहा कि अदालतों के सामने गैर कानूनी चैम्बर्स नहीं बनाने चाहिए। और हकीकत यह है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त एक रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं है। वुकला की हंगामा राय के बाद चीफ जस्टिस के अहकाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कचहरी को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सवाल यह है, अब इस वुकला गर्दी का सद्देबाब क्या है? आई थिंक एक तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ये स्टार्ट हुआ चौधरी इफ्तिखार के वक्त से। यू रिमेंबर वुकला तहरीक चली और वो काफ़ी ज़्यादा जो हुआ उसके बाद से, अभी जब उस वक्त से लेके आज तक वकीलों ने एक बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन की हुई है और ये कानून दान, कानून के रखवाले, कानून को समझने वाले खुद कानून तोड़ रहे हैं। हकूमत की भी इसमें गलती है कि अगर 150 चैम्बर्स गलत थे तो कम से कम आप उनको कोई पहले कोई जगह एलोकेट कर दें, कोई उनको बता दें कि जी चलें हम ये जगह आपको दे रहे हैं, हम वी गिव यू 3 मंथ्स और आप इस जगह पर नए अपने चैम्बर्स बनाइए, ये गैर कानूनी, इसको उतारना पड़ेगा। अगर गरीब लोगों के, उसके बाद जितने बड़े बिजनेसमैन थे या पॉलिटिशन के, अगर हमने सारी चीज़ें गिरा दी हैं तो वुकला जो लॉ से अबव नहीं है उनको भी हटाना चाहिए और फिर वो पढ़े लोग लोगों का काम है कि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई, आप कोर्ट में चले जाते, आप हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके पटिशन डाल देते, आपने अपने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर को आपने तोड़ दिया। आई मीन इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? आई विश कि हम बात करते हैं हर जगह पर, कभी एग्जेक्टिव की बात करते हैं, पॉलिटिशियन की बात करते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसके ऊपर एक्शन लें। जो वुकला की बार हैं, चाहे वो आपकी सुप्रीम कोर्ट बार है या पाकिस्तान बार है, आप वहाँ पर इसको लेके बैठें, डिस्कस करें और मुझे यकीन है कि जो बहुत बड़े समझदार और मैच्योर लॉयर्स हैं वो सब इसको कंडेम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए।
ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी चैम्बर बना लें और आपको हटा भी ना कहें और अब द लॉ है। ये चीज़ें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसको अपने चौरस सूबों की चीफ जस्टिस के साथ बैठें, इसका लायामल बनाएं और एक एक जो होता है इसके लिए एक कोई नए ऑर्डर इशू करें ताकि आइंदा के लिए इसका जवाब किया जा सके। जी आमिर साहब, देखें जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे मंसूर अली शाह और मुल्तान की बार के साथ फड्डा हुआ था और वो बिल्कुल इसे मंतकी अंजाम पे पहुँचा रहे थे, अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है तो उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब बीच में आए और सारा मामला गोल करा दिया। अब आमिर अली अहमद चीफ कमिश्नर हैं, हमजा शफकार डीसी हैं, इन दोनों ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटर्न ऑर्डर पर ही एक्शन किया। तो भाई ब्रिगेडियर साहब जो बात कह रहे थे, ये तो सबके लिए होना चाहिए कि पहले दूसरों को जगह दें फिर गिराएं। तो वहाँ पे भी कोर्ट के ऑर्डर पे कराची हो लाहौर हो गिरा दी जाती हैं, उसमें गरीब आदमी ने इन्वेस्टमेंट की होती है, अमीर आदमी ने की होती है जो घर बनाता है। अब इश्तहार चलते हैं उस वक्त कोई नहीं बोलता, उसका क्या कसूर है? अब आ जाएं इस ताज़ा वाक़े पर, इसमें वकला के हाथ अदालत के गिरेबान पे थे। उन्होंने चीफ जस्टिस को 2 घंटे मैसूर रखा और मैं वो नहीं बता सकता कि वहाँ क्या दशनामतराजियाँ हुई, क्या क्या हरकतें हुई। बहरहाल चीफ जस्टिस ने सहा, दूसरे जज साहब ने बातचीत की और वो फिर चीफ जस्टिस के पास चले गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब के पास, कि इस मसले का चूँकि, लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया को उन्होंने कहा है कि मैं ऑर्डर वापस नहीं लूँगा, जो हमने ऑर्डर किया है आपने बिल्कुल ठीक किया। ये इस्लामाबाद में बड़ा पुराना किस्सा है, इस्लामाबाद के जैसे मुतासरीन ही ना ख़त्म हो रहे, जब से इस्लामाबाद बना है, जब नया सेक्टर बनता है वहाँ मुतासरीन आबाद हो जाते हैं। इसी तरह ये वकला हैं जो हर जगह स्टे लेते हैं, ये फुटबॉल ग्राउंड में बैठे हैं, ये वहाँ चैम्बर बना लेते हैं। भाई ये कौन सी जस्टिफिकेशन है कि आपका दिल करे आप अदालत के मुंह पे जाके और चैम्बर बना लें? कुछ वकला ठीक है, पुराने चैम्बर भी हैं लेकिन हैं तो सारे इलीगल। अब जब चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया, या तो उस पर चीफ जस्टिस से और दूसरी अदालत से डबल बेंच में जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ले लेते, फिर तो बात ठीक थी। जब इंतजामिया ने कर दिया और जो आज हरकत हुई है वो बहरहाल हमारा एक शर्मनाक चेहरा है पूरी कौम का, यही हमारा वतीरा है, हम मुसलसल यही काम हर शोबे में करते जा रहे हैं और वो जो नेशनल डायलॉग है उसके अंदर इन सब चीज़ों को आना चाहिए। वो कब होगा, कौन कराएगा, ये फैसला होगा और होना है, क्योंकि इसके बगैर हम बैसियत कौम कहीं पे कोई रास्ता तामीरी नहीं बना सकते। से जी शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, ये जो वकला गर्दी के हवाले से आपने बात की है तो ये सिलसिला बड़ा पुराना चला आ रहा है और ख़ास तौर पर जब इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक थी तो उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म हुए और उसके बाद फिर ये कोई भी फोरम हो, कोई भी कानून हो, कोई भी ज़ाब्ता हो, किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाते। लेकिन अगर कोई इनके साथ सख्ती बरती जाए और कानून के मुताबिक काम किया जाए तो फिर ये लोग मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आमिर साहब ने कहा तो मैं पूरा वाक्य सुना देता हूँ। चीफ जस्टिस से मंसूर अली शाह लाहौर हाई कोर्ट के, तो बड़े अरसे से जो मुल्तान की कचहरी है उसकी शिफ्टिंग का मामला चला आ रहा था, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया शहर से अलग करके, क्योंकि तो ये ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, जजेस की तादाद में इजाफा, वकला की तादाद में इजाफा, उसकी वजह से जो चौक कचहरी है ट्रैफिक वहाँ से गुजर नहीं सकती सारा दिन जब तक अदालत जो है अपना काम कर रही होती है। तो उन्होंने फैसला किया और उन्होंने कहा कि इसको रातों रात जो है वो शिफ्ट करना है यहाँ से, और उन्होंने अपने अहकाम पर अमल कराया और पूरा रिकॉर्ड भी शिफ्ट कराया। लेकिन फिर हुआ वो ही कि जब चीफ जस्टिस से साकिब निसार, तो उन्होंने फिर वो मामला आके रोक दिया, तो वो अमल उसी तरह रुका हुआ है। तो बात हो रही थी अगर कोई इनके साथ सख्ती करे तो फिर ये उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मसला ये है कि फिर यही जजेस जो हैं जब मुकदमात पुलिस कायम करती है तो यही जजेस इनकी जमानतें भी लेते हैं, रिलीफ भी देते हैं। तो जजेस को भी सोचना चाहिए कि जब इस किस्म की लाकानूनियत वो करते हैं और उनके मुकदमात जब अदालतों में आते हैं तो फिर फैसला करने के बारे में जजेस साहबान को भी सोचना चाहिए कि ये किस तरफ जा रहे हैं वकला, और ये ना तो पुलिस को छोड़ते हैं, अगर ये थानों में कोई एसएचओ इनकी बात ना माने, जब वो कचहरी में मुल्जमान को पेश करने आता है तो उनको मारते हैं, अगर कोई बैंक वाला आ जाए उनको मारते हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि पूरा का पूरा कानून उनके हाथ में। ठीक हो गया, फैसल हुसैन साहब। देखिए, एक तो हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो वकीलों को दफातर फराम करे, ये इनका, ये ब्रिगेडियर साहब
आपकी बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि हुकूमत का काम तो नहीं है वकीलों को, या वकालत तो एक प्राइवेट काम है, इनको इनको दफातर फराम करना हुकूमत की जिम्मेदारी में तो शामिल नहीं है। देखिए लेकिन ये देखिए ये बकला गर्दी जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये शुरू कहाँ से हुई, जब परवेज मुशरफ ने जो है चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ जो है वो आइन के मुताबिक कार्रवाई की तो इन सियासी जमातों ने जो है इन वकीलों को इस्तेमाल किया परवेज मुशरफ के खिलाफ, इन वकीलों के कंधे पे रख के जो है परवेज मुशरफ पर जो है फायरिंग करने की कोशिश की। भाई वो तो आपका मौका है ना सर, आमिर भाई मुझे अपनी बात करने देना। नहीं वो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुकी है, मेरा मौका परवेज मुशरफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुकी है सर, मेरा मौका सर भी आपका मौका है ना, मैं अपनी बात जी जी फैसला आप कंप्लीट करें, मेरा मौका नहीं है, ये अदालत का फैसला है। उन्होंने वहां नहीं भेजा था तो जी प्लीज, तो परवेज मुशरफ की जात के खिलाफ एक को उन्होंने निशाना बनाने के लिए पूरे पाकिस्तान के अदालती निजाम को जो है इन सियासी जमातों ने इस्तेमाल किया, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून ने इसको इस्तेमाल किया। उस वक्त से जो है ये वकील जो है वो बेलगाम हो चुके, उस वक्त भी लोग इनको समझा रहे थे कि आप इनको इस तरह इस्तेमाल नहीं करें, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। जी अलियास साहब जी बिल्कुल, ये बड़ा खुशगवार वाकया हुआ, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, पहले भी होते रहे, लाहौर में भी हम देखते रहते हैं इस तरह ही चैम्बर्स के लिए या दूसरे जो मामलात मुल्तान बेंच का ख़ास तौर पर मामला था, इसमें जो है कि वकला की जानब से जो है बड़ी की जाती है जी। तो ये जो तरीक़ाकार है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इसके लिए बैठ के बातचीत करनी चाहिए। अव्वल तो ये बात है जब उन्होंने चीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये खाली करना है तो इससे पहले इनको नोटिस देने चाहिए थे, नोटिस दे के ताकि खाली करवाते वक्त इनमें ये मसला ये इस तरह का ना होता, तसादम ना होता। तो तसादम की जो सूरत हाल है ये इतनी बिगड़ गई कि जो है तो ये इस पर जैसे लाहौर में भी इलेक्शन होते हैं जी तो बिल्कुल, यहाँ क्या क्या नहीं होता, फायरिंग होती है तो क्या होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे पास अब वक्त थोड़ा रह गया है अयाज खान साहब, वकला तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, हम आए रोज देख रहे होते हैं कि जजेस के साथ अदालतों में क्या हो रहा होता है, और जाहिर है वो मेरा ख्याल है इनको सिर्फ कोर्ट ही काला रहने देना चाहिए, कुछ और अपना काला नहीं करना चाहिए, और इनके लाइसेंसेस जब तक मंसूख नहीं कैंसिल नहीं होंगे ये ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया जी, आज का एक्सपर्ट्स, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।